और विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन एक स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, वैसे बस यहां एक स्टूडेंट यूनियन नहीं है ये विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के 65वें संयुक्त प्रांत अधिवेशन के प्रदर्शनी का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, अभावी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान ने किया। वहीं इस पर अवसर पर राज्यपाल ने कहा, विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन ही नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवाओं का राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन के कार्यकर्ता देश और समाज के लिए काम करने का भाव लेकर हमेशा खड़ा रहता है। आज देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा किया है। आजादी के इस अमृत काल में समाज इस राष्ट्र में योगदान दे रहे युवाओं की ओर देख रहा है। 2047 तक हम विकसित भारत बनने का ध्येय लेकर शैक्षणिक परिसर के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। हम अगर विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो स्वदेशी के उपयोग की अवधारणा भी विद्यार्थी परिषद ने दिया है, और आज खुशी है कि हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब बढ़ रहे हैं। भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की बजाय सोने का शेर बनाने की आवश्यकता है। पटना से मनीष की ब्यूरो रिपोर्ट। और विद्यार्थी परिषद जैसा संगठन एक स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, वैसे बस यहां एक स्टूडेंट यूनियन नहीं है ये विद्यार्थी परिषद। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भरा हुआ, देश के प्रति कुछ भी करने के लिए तत्पर ऐसा युवाओं का एक राष्ट्रीय संगठन है। और आप जैसे लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? आप में जो जोश है, वो जोश देखकर लगता है कि आने वाला समय जो है, वो समय हम केवल इस वाक्य से समाप्त नहीं करेंगे कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हम सबको इस पर गर्व जरूर रहेगा, परंतु वहां हम नहीं रुकेंगे। हम यह कहने के लिए तत्पर है, उत्सुक है कि विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। मैं आशीष जी का भाषण सुन रहा था, तन से वहां पहुंची है ऐसा ही नहीं है, लेकिन अपना जो भाव है विद्यार्थी परिषद का, वह भाव उन सभी क्षेत्रों में पहुंचा है। और वहां जाकर अपना कार्यकर्ता जो खड़ा रहता है, वह कार्यकर्ता तन से तो रहता ही है, लेकिन अपना सुदृढ़ भाव लेकर वहां खड़ा रहता है, राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर खड़ा रहता है। इससे भी आगे जाकर मुझे कहना है क्या, इसका भी तो हमको जिक्र करना ही पड़ेगा, परंतु इस आने वाले समय के लिए जो संबोधित किया है अमृत काल के रूप में प्रधानमंत्री जी ने, किसके आधार पर किया है, किन लोगों के आधार पर किया है? मेरे जैसे जिसके बाल सफेद हुए, इसके आधार पर किया? आप जैसे यहां युवा शक्ति जो है, जोश पूर्ण शक्ति है, इनके आधार पर प्रधानमंत्री कहते हैं आने वाला काल हमारा अमृत काल होगा। 2047 में 15 अगस्त के दिन हम सब पूरे दुनिया को बताएंगे अपना भारत विकसित भारत हो चुका है। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं, उनके सामने आपकी छवि होती है, आपका जोश होता है, आपका कर्तृत्व होता है, और इसीलिए प्रधानमंत्री आप पर विश्वास रखकर एक बातें कहते हैं। आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही आवश्यक समय है।